नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी ये आपके लाखों रुपया के इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकता है। साथ ही साथ ये ऐसे स्टॉक है जिसमें आप एकदम चैन की नींद लेकर सो सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर रहेगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। पीएसयू सेक्टर में आज से बेहतरीन स्टॉक है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है पीएसयू सेक्टर के जो ये लीडिंग कंपनियां हैं, ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। साथ ही साथ ये हमारे रुपये को डुबो नहीं सकती। साथ ही साथ ये स्टॉक उतना क्रैश नहीं हो सकता जिस तरह से यस बैंक, डीएचएफएल, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किए थे यस बैंक, डीएचएफएल इन सब कंपनियों में, उनका मात्र 1% कैपिटल बचा। अगर आपने 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किया रहता यस बैंक, डीएचएफएल में, तो मात्र 1,000 रुपया भी आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर रहता। लेकिन ये कंपनियां जो है वैसी कंपनियां है जो उस तरह से कभी क्रैश नहीं होता, क्योंकि ये हमारी कंपनियां है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इनके प्रमोटर्स हैं। तो समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट कभी गड़बड़ हुआ तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी होगा और हमें खरीदने का। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ट है। चार्ट क्या है? ये प्योर मैथमेटिक्स है। स्टॉक मार्केट में 90% मैथमेटिक्स काम करता है, 10% जो है आपको फंडामेंटल्स और जो अलग अलग चीजें हैं वो काम करता है। 90% मैथमेटिक्स है और ये चार्ट देख सकते हैं पूरी तरह से मैथमेटिक्स है। जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसे पता है यहाँ पर ये चार्ट क्या कह रहा है और यहाँ से यहाँ तक का चार्ट ये क्या कह रहा है। तो यहाँ का जो चार्ट है वो अलग डिफरेंट भाषा बोल रहा है और यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ट है वो अलग भाषा बोल रहा है इस स्टॉक के बारे में। और अब जो यहाँ का चार्ट है वो अलग भाषा में बात कर रहा है। जो चार्ट का अलग अलग भाग है वो अलग अलग भाषा को बोल रहा है। इस भाषा को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस होगा और आप खुद से एनालिसिस करेंगे। दूसरों के एनालिसिस से आप इस चार्ट के भाषा को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखें, ये चार्ट को बनाया है किसने? जो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जो जिनका फंडामेंटल एनालिसिस है, तैयार चार्ट को उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर चार्ट को रीड कौन करेगा? जो चार्ट को पढ़ना जानता है, जो मैथमेटिक्स की भाषा को जानता है। ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये जो चार्ट की भाषा यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स की भाषा में ये बोल रहा है। देखिए यहाँ पर प्राइस कहाँ तक गया? 550 तक दो बार यहाँ पर टच किया इस रेजिस्टेंस को। अभी भी ये स्टॉक यहाँ से क्रॉस करता है तो इसमें आपको जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा। अगर ये 550 को क्रॉस करता है तो डायरेक्ट समझिए इसमें जो है आपको 900 रुपीज तक का टारगेट मिल सकता है। जाने का 1000 भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 9000 रुपीज का यहाँ पर टारगेट होगा अगर ये 550 को क्रॉस करता है तो। अब देखिए ये स्टॉक जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर चार्ट का, यहाँ का जो चार्ट है अलग भाषा बोल रहा है। हर चार्ट का हर पार्ट अलग अलग भाषा में बात करता है। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक जो है 20 रुपीज से स्टार्ट किया, 550 रुपीज तक गया। तो ये कितना टाइम्स का रिटर्न हुआ आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए, कितना टाइम्स का रिटर्न हुआ? 27 टाइम्स का। देखिए 2020 में आपने इन्वेस्ट किया और 2021 में ये 27 टाइम्स का रिटर्न दिया। कहीं पे भी यहाँ पे आप गिरावट में इन्वेस्ट कर रहे थे, 20 रुपीज का ये स्टॉक था और 21 सालों में ये 27 टाइम्स का रिटर्न दिया, 21 साल और 27 गुना। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक इतना ही रिटर्न दिया जितना कि मैंने चार्ट पे बताया है तो फिर गलत है, क्योंकि एक मैथमेटिक्स यहाँ पे और आता है, वो मैथमेटिक्स है डिविडेंड का, डिविडेंड यील्ड का। दोस्तों डिविडेंड यील्ड में जो रिटर्न इस कंपनी ने दिया वो इन्फोसिस और विप्रो भी आप 20 साल में एड अगर जोड़ेंगे तो नहीं दिया होगा। इन्फोसिस दे सकता है इसके बराबर, विप्रो नहीं दिया है, इन्फोसिस इसके बराबरी कर सकता है लेकिन विप्रो ने नहीं किया है। दोस्तों इतना सॉलिड ये स्टॉक है और ये स्टॉक आपके रिटर्न को 27 टाइम्स किया है, साथ ही साथ डिविडेंड भी आपको दिया है। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गिरावट जब भी हो। अब देखिए इसके टेक्निकल चार्ट पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो चार्ट बन रहा है उसके अनुसार ये स्टॉक अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो कम से कम तो इसमें हमारा 900 का टारगेट होगा यहाँ से जो ये ब्रेकआउट देता है, क्योंकि इसका जो रेंज है देख लीजिए, काफ़ी समय से, लंबे समय से ये रेंज है। और इस रेंज को हम यहाँ पर निकालते हैं कैलकुलेट करके, देखिए कितना
परसेंट का ये रिटर्न होगा। इतना बड़ा ये रेंज है और ये जब ब्रेकआउट देगा तो इतना बड़ा ही रेंज कम से कम ऊपर ये जाएगा। देखिए ये रेंज है, यहाँ से ये रेंज मैंने लिया और इस रेंज को यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से देखिए टारगेट कितना निकल कर आ रहा है, 825 रुपीज, 825.26 निकल के आ रहा है, जबकि हमने यहाँ थोड़ा सा जो नीचे का वीक है इसको छोड़ दिया है। और जब ये मोमेंटम यहाँ पहुँचेगा तो 900 तक जरूर ये खींच के ले जाएगा, क्योंकि 1000 इसका इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए तो, लेकिन निश्चित है यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें ये टारगेट मिलेगा जो कि 50% का देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट होगा 50% रिटर्न। और अगर इसको हम नीचे यहाँ पर मिलता है, नीचे से एक्युमुलेट करते हैं, नीचे से एक्युमुलेट करेंगे तो ये टारगेट हमारा 100% भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर नीचे से कैलकुलेट करना चाहेंगे, देखिए टारगेट हमारा 100% कब होगा, जब ये स्टॉक हमें यहाँ पर मिलेगा 400 पर। अगर ये स्टॉक हमें यहाँ पर अभी 485 पे मिला, अगर ये 400 पे ये स्टॉक मिलता है और यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो ये मिनिमम हमें 100% तक का रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो ऐसे मैजिकल रिटर्न है वो आप तभी ले पाएंगे जब आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल दोनों चीजें आनी चाहिए। अभी के इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले ही बता दिया ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर्स हैं और कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी देख लीजिए 1,05,000 इसका मार्केट कैप है। और डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 5% का डिविडेंड, अगर थोड़ा सा भी प्राइस नीचे आता तो ये 5% का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा, 4.3% तो अभी ही है। और ये कंसिस्टेंट रूप से डिविडेंड देती है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार डिविडेंड इससे ज्यादा देती है, जितना आपको यहाँ परसेंटेज में रिटर्न दिख रहा है डिविडेंड यील्ड में उससे ज्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। और प्रमोटर्स का स्टेक 53% है, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए 27 का है, काफी शानदार, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, तो रिटर्न इक्विटी काफी जबरदस्त है। अब यहाँ पर बात करें कंपनी के ऊपर जो डेट है 47,000 करोड़ का है और कंपनी के पास जो रिजर्व है 51,000 करोड़ का है, तो अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है 26,000 करोड़ का। और कंपनी के सारा पैरामीटर्स आप देखते हैं तो सारे पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8% का, नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है कंपनी के पास। वही प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो सेल्स कंपनी का यहाँ पर देख लीजिए 2010 में था 1,23,000 करोड़ का, जो कि बढ़कर के हो चुका है 2,30,000 करोड़, तो लगातार देखते हैं कंपनी का सेल्स बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1632 करोड़ 2010 में, जो कि लगातार देख सकते हैं कांस्टेंट रूप से इंक्रीज हुआ है, कांस्टेंट रूप से इंक्रीज, थोड़ा सा बीच में इंक्रीज डिक्रीज होते रहा है, इस बार तो 2021 में प्रॉफिट डायरेक्ट हो चुका है 16,000 करोड़, तो प्रॉफिट यहां पर डायरेक्ट जो है 16,000 करोड़ हो चुका है, जबकि पिछले साल 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, तो निश्चित है शेयर प्राइस में यहाँ जबरदस्त मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले समय में। अब बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का जो रिजर्व है 13,000 करोड़ था 2010 में, जो कि बढ़कर के हो चुका है 51,000 करोड़, तो काफी कैश रिच कंपनी है। लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी बढ़ा है, 26,000 करोड़ 2010 में डेट था कंपनी के ऊपर, जो कि बढ़कर के हो चुका है 47,000 करोड़ का डेट, तो कंपनी के ऊपर रिजर्व बढ़ रहा है तो डेट भी बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर। और इन्वेस्टर सेक्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी प्रमोटर्स हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52.98% इसमें प्रमोटर का स्टेक है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनके प्रमोटर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के प्रमोटर है। दोस्तों ये स्टॉक उनके लिए है जो ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो आप इसको गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि चार्ट आपको हमने दिखाया कि हर गिरावट में ये इन्वेस्ट करने के लायक है, कभी भी आप हायर लेवल पर ट्रेप होंगे तो फिर ये बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोमेंटम देने वाला स्टॉक है, तो आपको हमेशा गिरावट में इन्वेस्ट करना है। जब आप गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे निश्चित रूप से आपका इन्वेस्टमेंट काफी सिक्योर भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पर, कभी भी आप यहाँ पर गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर गिरावट, ये अभी इसका सपोर्ट लेवल है 270 रुपीज इसका सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक जो है वो बेयरिश हो जाएगा, मतलब ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने मिल सकता है, लेकिन वैसा संभव नहीं क्योंकि आपको फाइनेंशियल रिजल्ट हमने दिखाया कि फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग आया है इस साल का। ऐसे भी ये कंपनियों को आप अच्छी तरह से भारत पेट्रोलियम बीपी से, भारत पेट्रोलियम आप कहीं भी देखेंगे तो भारत पेट्रोलियम सारे पेट्रोल पंप पे लिखा होगा, तो कंपनी के बिजनेस जो है काफ़ी वेल नोन है, तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं वो धीरे धीरे मतलब अच्छी कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, तो इस कंपनी के बिजनेस आपको अच्छी तरह जानते हैं, कंपनी के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा कंपनी का बिजनेस नॉर्मल रूप से चलेगा जैसा पहले चलता था।
और ये स्टॉक वैसे स्टॉक है जो कि पीएसयू सेक्टर होने के बाद लगातार ग्रोइंग स्टॉक है, साथ साथ आने वाले समय में पीएसयू सेक्टर के जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आउट परफॉर्म करता है तो फिर इसमें जो टारगेट होगा हमारा 2000 रुपीज का होगा। अगर पीएसयू सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस दिखता है तो सारे स्टॉक, ये तो पीएसयू सेक्टर के जो लीडर स्टॉक है, पीएसयू सेक्टर के जो कनकॉर इल हो गया और जो बीपीसीएल हो गया, ये लीडिंग स्टॉक्स हैं, तो ये सब तो काफी आगे रहेंगे और यहाँ से काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो याद रहे, यहाँ से जैसे गिरावट आता है तो गिरावट में आपको हर गिरावट पे SIP करना है, तो ये स्टॉक आपको जबरदस्त रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें क्योंकि बहुत ही स्लो चलने वाले स्टॉक है।